आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए 27 अक्टूबर से मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए 27 अक्टूबर से मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसमें नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा और ऐसे मतदाता हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम काटा जाएगा, जिसका प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को होगा। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 को जो भी भारत का नागरिक है वह 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर रहा है वह इस मतदाता सूची में जुड़ने के लिए पात्र है, इसलिए अधिक से अधिक मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जुड़वाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा, 27 अक्टूबर से हमारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जिसमें मतदाताओं को जोड़ने और जो ऐसे मतदाता हैं जो शिफ्टेड हैं या डेथ हो चुके हैं उनको काटने का काम शुरू होगा और ये फाइनल पब्लिकेशन इसका 5 जनवरी 2024 में होगा। सर, 1 जनवरी 2024 को जो भी भारत का नागरिक 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर रहा है वो सभी इस मतदाता सूची में जुड़ने हेतु पात्र हैं और मेरा उन सभी से अनुरोध रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़ाएं। हर वोट हमारे लिए आवश्यक है और अनिवार्य है।